गुड मॉर्निंग. आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18 इन सोशल, अर्ली ह्यूमन बीइंग. चिल्ड्रन, वी लिव इन सिविलाइज्ड सोसाइटी. हम लोग जो है, हम लोग की जो सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड है. वी हैव फूड, वेल कुक्ड फूड टू ईट. वी हैव वेल क्लॉथ्स टू वेयर, है ना. बट हार्डली ह्यूमन डोंट हैव एनीथिंग. दे सर्च फॉर एवरीथिंग. उन्होंने सब चीज ढूंढ ढूंढ के बनाई. ठीक है. द लाइफ ऑफ हार्डली ह्यूमन इज नॉट सो इजी. इट हैज सो मैनी डिफिकल्टीज. दे आर नॉट सेफ. दे डिडेंट हैव होम. दे डिडेंट हैव वेल कुक्ड फूड टू इट. दे डिडेंट हैव मेडिसिन. दे डिडेंट हैव vehicles and so many difficulties they suffer. Okay. Let's start the chapter. The earth has been home to us for more than million years. Earth जो हम लोग का घर है वो कई million years के before से है. But human beings were not always the same as they now. बट जो ह्यूमन है, जैसे आजकल हम लोग हैं, हम लोग की तरह नहीं थे. ठीक है. इट टुक देम थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रीच देयर प्रेजेंट स्टेट. हम लोग की तरह आने में उनको कई साल लग गए, हजारों साल लग गए, है ना. अर्ली ह्यूमन वर हंटर्स. अर्ली ह्यूमन क्या थे? हंटर्स थे, शिकारी थे, गैदरर्स, इधर उधर गैदर होते थे. दे डिड नॉट हैव परमानेंट होम. उनके पास रहने के लिए घर नहीं था. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ. उनको अगर भूख लगती थी खाने के लिए, उनको इधर उधर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था. Hence they were called nomads. तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे? Nomads कहते थे. Gradually human started staying in the group, in groups as they realized that it helped them in many ways. क्या हुआ? Early human जो थे उन्होंने group में रहना शुरू कर दिया. क्यों? उन्होंने ऐसा महसूस किया, realize किया कि अगर वो group में रहेंगे तो एक दूसरे की आपस में help कर सकेंगे. Together they could hunt for food. एक साथ वो food के लिए शिकार कर सकते थे. they help each other. एक दूसरे की मदद कर सकते थे. in times, अपने समय पर. of need, जब जी जरूरत हो. from attack of wild animal. wild animal, good morning. wild animal के attack से भी वो एक दूसरे की help कर सकते थे. Living in groups made them confident. अगर वो लोग एक ग्रुप में रहते थे तो उनको कॉन्फिडेंस आता था आपस में, है ना? क्योंकि अकेले वो डरते थे रहने में. About facing natural threats like storm, thunder, flood, drought. Natural disasters, natural threats से भी बचने के लिए वो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते थे. Early human also started to think about the shelter and safety. Early human सोचने लगे कि हम लोग कैसे, हम लोग को shelter मिले, जगह मिले और safety मिले. They soon discovered that caves were ideal places to seek. उन्होंने ऐसा मान लिया कि जो cave गुफाएं होती हैं वर आइडियल प्लेस है टू सीक शेल्टर, उनकी पनाह में रहने के लिए. एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा. फ्रॉम किससे सुरक्षा? हीट से, गर्मी से, कोल्ड, ठंड है बहुत ज्यादा, गुफा में घुस जाओ, रेन, बारिश है, तब भी वो लोग बच सकते हैं. एज वेल एज डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स भी उन पर अटैक नहीं कर सकते अगर वो केव में रहेंगे. इन द बिगनिंग the early human used leaves and the bark to cover their body. अपनी body को cover करने के लिए उन्होंने क्या start कर दिया पहनना? ये देखिए, एक picture में इन्होंने पहना हुआ है ना leaves. ये देखिए cave में रह रहे हैं.
लीव्स पहननी स्टार्ट कर दी, बार्क मतलब पेड़ की छाल लाल पहन के वो लोग बेचारे घूमते थे। ओके लेटर दे बिगेन यूजिंग एनिमल स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर, अपने को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने क्या पहनना स्टार्ट कर दिया, एनिमल स्किन। नाउ स्टोन एज, स्टोन एज के बारे में आइए पढ़ते हैं। डिगिंग अप रूट्स फॉर फूड विद द बेयर हैंड्स वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अर्ली मैन, वो अर्ली मैन के लिए, आदिवासियों के लिए। डिगिंग अप रूट्स, कोई भी जड़ को निकालना फूड के लिए हाथ से निकालना बहुत ही कठिन था। सो दे बिगिन यूजिंग स्टोन, तो उन्होंने पत्थरों का यूज करना शुरू कर दिया। दे फाउंड दैट शार्प स्टोन वर गुड, उन्होंने पाया कि शार्प स्टोन, ये देखिए जो शार्प मतलब जो पॉइंटेड होते हैं, स्टोन वर गुड फॉर डिगिंग, डिग मतलब खोदने के लिए कोई चीज को, ठीक है। स्टोन एज टूल्स, ये देखिए स्टोन एज के टूल्स है। सून दे बिगिन शेपिंग स्टोन, फिर उन्होंने स्टोन्स को शेप देना शुरू कर दिया। इनटू वेरियस टूल्स एंड वेपल्स, औजार वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, औजार बनाने के लिए उन्होंने स्टोन्स को शेप में करना स्टार्ट कर दिया। दीज टूल्स वर यूज नॉट ओनली फॉर डिगिंग बट ऑल्सो फॉर हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, दीज टूल्स हेल्प देम इन हंटिंग एनिमल्स एंड डिगिंग द फूड, मतलब कोई चीज खोदने के लिए और एनिमल्स को मारने के लिए भी अच्छा वेपन था। की टर्म्स आप लोग लर्न कर लिया करिए। ओके नाउ द पीरियड पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, केव वॉल्स पे पेंटिंग है। द पीरियड व्हेन द ह्यूमन मेड टूल्स एंड वेपन्स आउट ऑफ स्टोन इज नोन एज स्टोन एज, वो पीरियड जब अर्ली ह्यूमन ने टूल्स और वेपन्स बनाने, औजार हथियार बनाने शुरू कर दिए, किससे, स्टोन से, उससे हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन्स वर ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग, उससे इन्होंने ड्रॉइंग भी करनी स्टार्ट कर दी स्टोन्स से। द अर्ली ह्यूमन यूज टू ड्रॉ देयर डेली एक्टिविटीज, दे ड्रॉ देयर डेली एक्टिविटीज लाइक किलिंग एनिमल्स, ईटिंग एंड सिटिंग विद फैमिलीज एंड अदर्स ऑन केव वॉल्स और स्टोन फ्लोर्स, स्टोन फ्लोर्स पे और केव वॉल्स पे उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रॉइंग स्टार्ट कर दी। इन इंडिया द स्टोन एज सिट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी प्लेस, इंडिया में स्टोन एज के कई सिट्स मिलते हैं, कई प्लेसेस मिलती हैं, मैनी प्लेसेस इन राजस्थान, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एंड उड़ीसा, उड़ीसा में। सम अदर प्लेसेस वर द स्टोन एज मैन लिव्ड आर द रिवर वैलीज ऑफ बेस, कृष्णा एंड नर्मदा, इन नदियों की किनारे पे भी स्टोन एज के कुछ मिलता है, स्टोन एज के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। नाउ रिकैप ऑफ द चैप्टर, रिकैप ऑफ द चैप्टर देख लेंगे। अर्ली ह्यूमन एट रूट ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट फ्रॉम ट्रीज, दे डोंट हैव कुक्ड फूड सो दे ईट रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज। दे डिस्कवर्ड that living caves protect them from sun, rain, cold and wild animals. They find caves, they discovered caves and caves help them in living there. Ma'am, मेरे से, मैंने नहीं किया, अपने आप से मैम लग जाऊँ। They made tool from stones. उन्होंने tools बनाए किससे, stones से। They learn to use animal skin, leaves, bark, trees for clothing. Clothing के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, एनिमल स्किन पहनना, लीव्स और बार्क ऑफ द ट्री। नाउ चूज द करेक्ट आंसर, द फिल इन द ब्लैंक्स। अर्ली ह्यूमंस वर डैश बिकॉज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू
अनदर नोमैड्स, बंजारा जिसको कहते हैं, नोमैड्स थे। अर्ली ह्यूमन फाउंड दैट लिविंग इन डैश प्रोवाइड देम सेव, सेव करेगा क्या, केव। ठीक है, अर्ली ह्यूमन यूज टू डैश कवर देयर बॉडी लीव्स बिकॉज दे डोंट हैव स्वेटर्स क्लोथ्स वूल। ओके, ड्यूरिंग द स्टोन एज अर्ली ह्यूमन मेड टूल्स ऑफ स्टोन, स्टोन एज है तो स्टोन से उन्होंने करे थे। नाउ मैच द, व्हाट आर दिस, बोल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है इसको हमको बताना है। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन द ब्रिक हाउसेस, ब्रिक हाउसेस में रहते थे अर्ली ह्यूमन। फॉल्स, अर्ली ह्यूमन लेड द लाइफ ऑफ अ नोमैड। ट्रू, स्टोन एज वॉज द पीरियड वेन ह्यूमन मेड टूल्स और वेपन्स ऑफ कॉपर। फॉल्स, टूल्स किसके बनते थे, पत्थर। स्टोन के। अर्ली ह्यूमन यूज कॉटन क्लॉथ्स। फॉल्स, अर्ली ह्यूमन वेयर लीव्स एंड स्किन, बार्क और स्किन ऑफ एनिमल। नोमैड्स, मैचिंग क्या होगा, नॉट स्टेलिंग इन वन प्लेस। स्टोन एज, टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, राजस्थान। स्टोन एज साइट, एनिमल स्किन प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर टू राइट इन द कॉपी। क्वेश्चन आंसर सब बच्चे इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 18 हैज बीन फिनिश्ड, कंप्लीट ऑल योर वर्क।